पूज्य सनश्री आशाराम जी बापू पिछले 11 वर्षों से 11 वर्षों से ये जेल में है पूज्य बापू जी। बापू जी जब कारावास में गए तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसके 9 महीने बाद भाजपा सरकार, और 10 वर्ष हो गए भाजपा सरकार को, बापू जी को 11 साल जेल में हो गए। तो ये भी एक बड़ी पीड़ा, बड़ा एक वेदना कि जिस दल के प्रति हमारे मन में ये भाव था, ये भावना थी कि वो सनातन धर्म के लिए कुछ करेगा वो दल, लेकिन जो सनातन धर्म के सबसे बड़े सेवक मैं कहूंगा, सनातन धर्म की जिन्होंने सेवा की, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना बलिदान जो दे रहे हैं, ऐसे संत को उन्होंने 11 वर्षों से कारावास में रखा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या कहेंगे चेतन जी इस पर, आप क्या कहेंगे इस पर? आप ये सवाल भाजपा से पूछें तो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। मैं टिप्पणी करूंगा तो मैं थोड़ी तल्खी से बोलूंगा जी। आपके आपके चैनल के माध्यम से और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आपको ज्ञात हो जी, तो एक एक कथा कथित बाबा हैं हरियाणा के जी, जिनका नाम है राम रहीम जी। राम रहीम बाबा जो हैं हरियाणा के अंदर, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वो अगस्त में भी पैरोल पे बाहर आए, इस बार भी विधानसभा चुनाव में वो पैरोल पे बाहर आए, और देश में जहां भी चुनाव होते हैं उनको पैरोल पे बाहर लाया जाता है। कौन लाता है, क्यों आते हैं, इस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा। संत हैं उन पे बोलना मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि कुछ उनके भी अनुयायी होंगे, कल को वो भी हमें गालियां देंगे आके। लेकिन जहां तक मेरा ये मानना है, मेरा सवाल फिर वही है जो आपने सवाल पूछा है, वो सवाल वही कनेक्ट हो रहा है कि 10 साल से भाजपा सरकार जो है वो सेंटर में स्थापित है, आज 11वां साल चल रहा है, लेकिन संत श्री आसाराम बापू के विषय में आज तक एक भी भाजपाई ने खुलकर या पर्दे के पीछे से या किसी भी तरीके से, एक ऐसे संत जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक क्रांति लाके लोगों को एक सूत्र में बांधा, और अगर देखा जाए तो हम कोर्ट और सब जुडिशियल मैटर पे नहीं बोलेंगे, वो एक अलग विषय है, लेकिन एक ऐसे संत या एक ऐसे हम एक मानवीय तौर पे बात करते हैं कि अगर उनका एज फैक्टर देखा जाए आज की डेट में या 10 साल पहले, ऐसा क्या कारण है कि बापू आसाराम को आज तक एक पैरोल, एक बेल नहीं मिल सकी, उनको एक दिन के लिए भी जेल से बाहर नहीं लाया गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बापू आसाराम के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे कुछ कथाकथित राजनीतिक लोगों को लगता है कि अगर ये आदमी बाहर आ गया तो हम भैया गए 12 के भाव से? मुझे तो ये लगता है। अब आप लोगों का क्या उसमें टिप्पणी है, मैं उस पर मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि आसाराम बापू को एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है वो जेल में रखा गया है। जी 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 बिल्कुल। और मैं बात करूं, जैसे आपने भी जो बात की है तो मुझे याद आई, सुब्रमण्यम स्वामी जी की याद आई कि जिन्होंने ये कहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि बापू जी बाहर आए, ऐसा उनका उन्होंने ट्वीट किया है कई बार। और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि कहना इसमें बापू जी बाहर आ गए तो सरकार की हानि होगी। हानि मतलब चेतन जी जो भी आपने बात की, बस मैंने आपको वही बात आपको एक इशारे में समझा दी कि कुछ कथाकथित हिंदूवादी नेता जो हैं उनको ये डर है कि अगर बापू जी को एक दिन के लिए भी बाहर लाया गया तो इस देश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक या आर्थिक भूचाल आ सकता है। मैं खाली राजनीतिक नहीं कहूंगा, आर्थिक भूचाल भी आ सकता है जी। और मुझे जी लगता है कि यही एक कारण है कि उनको एक बहुत बड़ी साजिश के तहत अंदर रखा जा रहा है जी। लेकिन अभिनव भारत पार्टी इसका भी विरोध करती है, और हम आपके माध्यम से और बापू जी के अनुयायियों के माध्यम से प्रयास करेंगे कि महाराष्ट्र चुनाव खत्म होने के बाद हम देश भर में अभिनव भारत पार्टी के बैनर पर एक ये मुहिम चलाने का प्रयास करेंगे, उसमें हम आप लोगों का भी सहयोग लेंगे कि बापू जी को जेल में जो रखा गया है, या तो बापू जी, देखिए एक बुजुर्ग आदमी जो सीनियर सिटीजन 75 साल के ऊपर की आयु है उनकी जी, उनको कारावास में रखना सरकार को या कुछ कथाकथित हिंदूवादियों को, ऐसा क्या खतरा है आसाराम बापू से? मुझे तो पिछले 10 सालों में 11 सालों में समझ में नहीं आ रहा है। जबकि अगर आप देखें तो
तो बापूजी के अनुयायियों में कोई कमी नहीं आई है तब से लेके आज तक? अगर उनपे कोई छींटे होते या उनपे कोई दाग होते तो क्या उनके अनुयायी आज भी उनके आश्रम चला रहे होते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको आपको समझने की जरूरत है, और देश की जनता समझती सब कुछ है, लेकिन कारण प्रॉब्लम क्या है कि देश की जनता के पास आज से पहले विकल्प नहीं था। विलास शिवनेचारी इन्होंने भी अपनी एक पीड़ा व्यक्त की है यहाँ पे कि मौलाना पादरी भ्रष्ट नेता लोगों को बेल मिलती है किंतु निर्दोष बापू जी को रिहा नहीं कर रही है, आखिर क्यों? अभी देखिए उनके क्यों का जवाब शायद मैं और आप दे चुके हैं पहले, मुझे लगता है वो देर से जुड़े हैं। हाँ, लेकिन उनका एक कमेंट इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने फिर कुछ देर बाद कमेंट की कि मेरा सवाल का जवाब शर्मा जी से लीजिए, तो मुझे लगा चलो ये उनकी कमेंट ले लेता हूँ। तो शर्मा जी ने इसका जवाब हम दे चुके हैं कि कुछ उनका उन बापू जी को बाहर नहीं निकालने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है इस देश के अंदर, जिससे मैंने आपको बताया कि कुछ कथाकथित जो हिंदूवादी नेता हैं, मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं बापू जी के बाहर आने से एक बहुत बड़ा खतरा महसूस होता है कि अगर बापू जी एक दिन के लिए, मैं बाकी संतों की तरह जिनके पेरोल्स हो रही हैं या जो जमानत में बाहर आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या बोला आपको, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 महीना नहीं। आसाराम बापू जी को पिछले 11 सालों में एक दिन की पेरोल या एक दिन की बेल नहीं मिली है, क्योंकि अगर वो संत एक दिन के लिए बाहर आता है तो देश के अंदर कितना बड़ा खतरा है ये शायद वो लोग समझते हैं जो लोग उनको बाहर नहीं आने देना चाह रहे। बिल्कुल, इसमें हम देखिए, जो मैंने पहले भी कहा कि मैटर सब जुडिशियल है वो एक अलग मैटर है, कोर्ट की प्रक्रिया अपनी है, लेकिन जमानत और पेरोल इस देश में हर आदमी का, इतने इतने बड़े करोड़ों अरबों के स्कैम कर लोग जो हैं वो बेल्स और पेरोल्स पे बाहर घूमते हैं, लेकिन एक संत जिसके करोड़ों अनुयायी हैं इस देश में आज भी हैं, 11 साल में मुझे आप ये बता दीजिए मानव भाई कि एक आश्रम ऐसा बताइए बापू जी का जहां पे एक भी सत्संग आज तक रुका हो। बिल्कुल, एक भी नहीं जी। तो खतरा जो है वो कहीं ना कहीं तो है, सभी सेवा कार्य भी चल ही रहे। और बापू जी ने 2014 में जेल में बैठे बैठे ही 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस घोषित कर दिया और तब से वो मनाया जाता है। जी बिल्कुल, दिसंबर जी जी। और मातृपितृ पूजन दिवस तो कई वर्षों पहले 2006 में शुरू किया वो तो पहले ही शुरू कर दिया था उन्होंने, लेकिन 25 दिसंबर को क्रिसमस जो मनाती है दुनिया, मतलब हमारे सनातनी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर जब क्रिसमस मनाने लगे तो बापू जी को बड़ी पीड़ा हुई। बापू जी ने जेल में बैठे बैठे तुलसी पूजन दिवस शुरू कर दिया।